हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दही आलू और प्याज की सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले नए नए वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं दही आलू और प्याज की सब्जी। इसे बनाने के लिए मैं 3 आलू और 3 प्याज को स्टीम कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे बॉईल भी कर सकते हैं। काटा चम्मच से प्रिक करके हम देखेंगे प्याज पका है या नहीं। देखो दोस्तों, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो इन सिंपल बर्तनों से आप वेजिटेबल्स को स्टीम कर सकते हो। ये बर्तन हर घर में ईजिली अवेलेबल रहते हैं। Now we'll transfer cooked onions and potatoes in a plate. दही मैंने 400 ग्राम ली है, इसे हम फेटेंगे। अगर आपके पास ऐसे विस्क नहीं है तो आप चम्मच भी यूज कर सकते हो दही को फेटने के लिए। कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे एक बार मिलाएंगे। दही में पानी अच्छे से घुल गया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, काला नमक, इलायची पाउडर, बेसन। बेसन की जगह आप फुटाने का पाउडर भी डाल सकते हो, सूखी मेथी के पत्ते। Now we'll mix all these ingredients properly and keep it aside. एक पैन में थोड़ा सा ऑयल हीट करेंगे। ऑयल को पैन में ऐसे स्प्रेड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे राई। राई जैसे ही क्रैकल हो जाएगी हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा जैसे ही क्रैकल हो जाएगा हम इसमें डालेंगे लहसुन। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई अदरक। देखो, तेल हमने थोड़ा सा ही यूज किया है, इट्स अ लेस ऑयल रेसिपी। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च मैंने पकोड़े वाली मिर्ची ली है। अब हम इसमें नमक डालेंगे और सभी इंग्रेडिएंट्स को हम स्टर करेंगे। कड़ी पत्तों को मैंने अच्छे से वॉश किया है। कड़ी पत्ते अब इस तरीके से कड़ी पत्तों को डालेंगे पैन में। लौंग, दालचीनी, स्टर ऑल इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली। अब हम इसमें पके हुए प्याज और आलू डालेंगे। इसके ऊपर हम अपने मनपसंद मसाले डालेंगे। मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सूखा धनिया पाउडर। अब हम इसे स्टर करेंगे। अब हम आलू और प्याज को मिलाएंगे। इसमें गरम मसाला डाल के इसे स्टर करेंगे। आप चाहें तो इसे एज अ स्टार्टर डिश भी यूज कर सकते हो। अब हम इसमें दही डालेंगे, वही दही जिसमें हमने मसाले डाल के रखे थे। अब इसे स्टर करते जाएंगे। उबाल आने तक इसे अच्छे से स्टर करते जाएंगे। इसे कंटिन्यूसली चलाते जाएं ताकि दही ना फटे। दोस्तों, आपसे निवेदन है, मेरे फूड ब्लॉग्स इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। वहाँ भी आपको अलग अलग बढ़िया बढ़िया रेसिपीज देखने को मिलेगी। देखो, इसमें उबाल आ गया है। अगर आप वही सेम सेम सब्जियां खाकर बोर हो गए हो तो ये रेसिपी आपके लिए है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। आलू, दही और प्याज की सब्जी तैयार है। इसे आप रोटी या चावल के साथ खा सकते हो।
आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस रेसिपी विथ योर लव्ड वंस. Gravy looks so yummy. Wow. Enjoy having this yummy food in lunch. See the consistency. This recipe can be prepared with things which are easily available at every house. I'll be soon back with a new amazing recipe for you all. Till then, take care. Bye-bye. Thanks for watching.